है, बलियाडीह पंचायत है, तो जहाँ जिस तरह का मामले आते हैं मैं उसे देखता हूँ और मेरी प्रयास होती है कि मेरे प्रखंड के सभी पदाधिकारी अपने अपने विभाग के काम बिल्कुल अच्छे से करें और सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में करें। यूँ तो सरकार बहुत सारी योजनाएं बनाती है महादलित के विकास के लिए, उत्थान के लिए, लेकिन पता नहीं सारी योजनाएं दर्शकों कहाँ चली जाती हैं। महादलित आज भी निचले से निचले पायदान पे अपनी जिंदगी को काट रहा है। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24, मैं हूँ वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, अभी हम बैजला पंचायत के वार्ड संख्या 1 में फोक्सा गांव कहा जाता है, जहाँ कई महादलितों की बस्तियाँ, मकान टूट गया है, छतें टूट गई हैं, खुले आसमान के नीचे रहने के लिए लोग मजबूर हैं, लेकिन सरकार के अधिकारी आज तक गहरी नींद में सोए। तमाम समाज सेवियों का कहना है कि जिलाधिकारी राकेश कुमार ईमानदार जिलाधिकारी आए, इन पर हमको भरोसा है, ये हमको न्याय देंगे, महादलितों का विकास करेंगे, ऐसा इन लोगों की आंखों में सपने। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन लोगों की आंखों के सपने जिलाधिकारी या DDC या फिर प्रखंड विकास पदाधिकारी पूरा कर पाते हैं या नहीं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी झाझा रवि जी, जिनका नाम, वो एक मिलनसार व्यक्तित्व के धनी, वह भी गरीबों की बात को सुनते हैं, लेकिन पता नहीं इस बैजला पंचायत की फोक्सा गांव 1 नंबर वार्ड की जनता की समस्याओं की आवाज़ उनके कानों तक यहां के जनप्रतिनिधियों ने मुझे नहीं लगता कि पहुंचाया है। यदि पहुंचा दिया होता तो प्रखंड विकास पदाधिकारी निश्चित रूप से आते और जनता का हाल जानते। महादलित ऐसे भी जानते, खासकर मुसहर जाति आज भी अपनी ज़िंदगी को सिर्फ काट रहे हैं, जीने की तो बात ही छोड़ दीजिए। जिस प्रकार से तमाम लोगों ने हमारे साथ जुड़ते हुए कहा कि हम लोग बरसात आएगी तो कहाँ रहेंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़ी माता हैं, वे लोग कहाँ रहेंगे, इसके पहले कि वे लोग बरसात का कष्ट झेलें, दंश झेलें, हम अपने चैनल के माध्यम से तमाम अधिकारियों से अपील करेंगे कि थोड़ा सा अपना त्रिनेत्र खोलिए और इन गरीबों का उत्थान करिए, क्योंकि सरकार ने आपको इसलिए कुर्सी पर बिठाया है ताकि आप गरीबों का विकास कर सकें, गरीबों का उत्थान कर सकें। संजय शर्मा के साथ बैजला पंचायत फोक्सा गांव से वार्ड संख्या 1 महादलित बस्ती से वीरेंद्र कुमार की बहुत ही ग्राउंड जीरो रिपोर्ट, निश्चित रूप से देखिएगा। क्या नाम है? सेवक मानी। सेवक, आप लोगों का घर का हाल ये तो कब पिता है, तो क्या लग रहा है? बहुत बुरा हाल है सर, वो बारिश में पूरा रहते हैं, भींग भींग के रहते हैं, वो बहुत पुराना घर, 1995 का घर है, और यहाँ से आता है कोई भी सहायक, कोई भी सहायक देख करके चला जाता है, लिख लेता है, कहता मिलेगा 5,000 10,000 दो तब होगा तेरा काम, ऐसे होगा, फलना होगा, ये करो वो करो। कौन बोलता है ये बात? कौन बोलता है 5,000 10,000? भाई सहायक लोग जो आता है, हम लोग नहीं चिंते जानते हैं। हाँ, अवश्य सहायक वो लोग आता है, पता 5,000 दो तब आएगा, ये वो काम करना है, कागज पत्र करना है, हम लोग उतना नहीं जानते हैं, मान ही के जात है, पढ़ा लिखा नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है तो चलो कुछ नहीं होता, हम लोग से खाने कमाते हैं, मजदूर आदमी है, लेकिन जो घर की स्थिति है वो बारिश से पूरा एकदम गिर गया है और पानी चुभता है, और यहाँ का क्या, यहाँ हमको लगता है 20 वर्ष तक यहाँ को कोई किसी को इंदिरा आवास नहीं मिला, भाई पहले 1995 का इंदिरा आवास है, और 1995 इंदिरा आवास तक बाद पाके बाद यहाँ लालता लगता है, लाल कलम चला दिया, क्या किया नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ का इंदिरा आवास मिल भी नहीं करता है, मिलता है बड़ा बड़ा लोग को मिलता है। क्या नाम है? पति का क्या नाम है? कहाँ घर है? कौन सा वार्ड है? 1 नंबर। क्या हाल है घर का, इंदिरा आवास? टूट गया सर, पूरा टूट गया, चुभ जाता है घर। बरसात में कैसे रहे? बरसात में पानी में रहता है सर, पानी में रहता है सर, पानी में रहते हैं। कितना बाल बच्चा सब कैसे सोता है? 6 गो बाल बच्चा सर, बहुत तकलीफ में। बहुत तकलीफ, बाल बच्चा ढेरी है। कब बनाई है आवास? कब यह बन गया सर की गाँव में? 10-12 साल हो गया, बहुत साल हो गया, बहुत तकलीफ में। बहुत तकलीफ है सर। पंचायत कौन सी है? बैजला पंचायत। मुखिया जी का क्या नाम है? प्रकाश पंडित। तो उनको आप लोगों ने दिखाया नहीं? देख लिया सर है ना, कहता कि मरम्मत देगा, की कहाँ देगा, कौन देगा, मरम्मत भी नहीं मिला, नहीं देगा, खाली देख के चला गया कि घर द्वार देख। पति का क्या नाम है? अजय। रजय, क्या है घर का हाल आपका? घर का रहा तो घर क्रिकेट टूट टाट गया सर। हाँ। बहुत तकलीफ में है। हाँ।
हाँ सर, हमारे के घर बहुत गिर गया है, बहुत बन गया ढेर दूरा घर, दिन पड़ गया, कोई देखने वाला नहीं। हाँ, कोई देखने वाला नहीं है सर, बहुत तबकिल में बाल बच्चा रहता है, छपरी छपनपनी दाब के, चमचमी दाब के रहता है सर, और नहीं कोई देखने वाला नहीं है, देखे आता है वो खा पी के चल जाता है सर, कोई नहीं की कहा। अब तो बरसात आने वाली है। हाँ, बरसात आने वाला है सर, और में बाल बच्चा 10 गो परिवार पड़ता है, 10 गो बाल बच्चा होता है, वह पानी में चिड़ के रहता है, भीन चिड़ के रहता है सर, मतलब धरनी देवी है। धरनी देवी, आपका घर तो ढह गया। धरनी देवी ढह तो गया, कैसे रह रहे हैं, तिरपाल लदाए हैं छत पे, उस पे रह रहे हैं। बरसात में क्या होगा, ऐसे ही तिरपाल लदा कर रहेंगे। पहले तो मैं शंकर यादव हूँ, एक समाज सेवी के रूप में मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे जो महोदय जिलाधिकारी हैं जम्मू के, उस पर मेरे को बहुत पूर्ण विश्वास है कि अगर यदि वो एक बार कहीं हमारे पंचायत और वार्ड आके भ्रमण करे तो हम लोग को लगता है कि हमारे जनता लोग का जितना भी समस्या एक बार जरूर सॉल्व होगा सर। और विशेष लोग का मुद्दा है सर कि आज तक रिपेयरिंग नहीं मिला और बरसात के टाइम आने वाली है सर, छत भी देखा जाए तो किस तरह, तो इंक्वायरी करवे किया सर, और इधर भी दिखाइएगा एक बार कैमरा सर, देखिए क्या स्थिति है लोग का, जो कि बहुत परेशानी में, और आप लोग से यही। यहाँ के मुखिया क्या करते हैं? मुखिया सर, मुखिया भी आते हैं देख के, उसके बाद चला जाता है, क्या करेगा वो भी। अच्छा। कह रहा कि होगा, यानी लोग का आश्वासन दे रहा है, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन है। आप तो समाज सेवी है, क्या कभी आपने मुखिया संपर्क किया? संपर्क भी किया तो मुखिया भी हम लोग का आश्वासन देता, बोला अच्छा करेंगे, हो जाएगा इतना, लेकिन 2 साल से आश्वासन है। जी जी जी, 2 साल से। उसके बाद में एक बार हमारे यहाँ DDC साहब भी आए थे पूर्व में, करीब 2 साल या 3 साल पहले पीछे बार, तो वो भी सब देखा था। DD सर भी बोले कि पहला रिपेयरिंग इन लोग को होना चाहिए, मान्य लोग को, छत भी आपने से देखा था सर, लेकिन आज तक नहीं हो रहा है। और ये सब तो विशेष हम लाए आप लोग का सर, कि बरसात के टाइम हो रहा है, जो कि अगर ये पानी पड़ेगा सर तो कहीं खड़ा होकर रात भर टाइम बिताएगा सर, कहीं रहने का इस लोग का व्यवस्था नहीं है। इसी के साथ मैं आप लोग का न्यूज़ से माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि इस सबको जल्द से जल्द रिपेयरिंग का पैसा दिया जाए सर। हाँ, यहाँ कोई के रोल बा ये बात। यहाँ 20 वर्ष का इंदिरा आवास नहीं मिलता, 20 वर्ष हो गया। आपका घर भी टूट गया? हाँ, कोई देखने वाला नहीं है? कोई देखने वाला नहीं है सर, यहाँ मतलब खरी यहाँ से वोट लेता और फांकी मार के चला जाता कि हम घर बना देंगे। मुखिया जी क्या बोले प्रकाश पंडित? प्रकाश पंडित बैठ देता, दारू पीता है, अपन मौज उड़ाता है, अपना देखता है सर। नहीं नहीं बोले, दारू नहीं पिया है। प्रकाश पंडित को जो यहाँ के मुखिया है बैजला का, उनको आप लोगों ने समस्याएं रखी? उसको आप लोग अपना तकलीफ बताए? तकलीफ खूम बताया, 3-4 देख के भी चला देख के भी गया, मतलब घर देख के भी गया, देख के भी हो गया 2 साल, 1.5 साल हो गया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, कुछ नहीं किया। कितना नंबर वार्ड है ये? 1 नंबर वार्ड, 1 नंबर बजला पंचायत का वार्ड नंबर 1। एक नंबर दर्शक, हमारे साथ झाझा के प्रखंड विकास पदाधिकारी रवि जी जुड़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, रवि जी गरीबों के लिए एक अलग सा स्थान रहता है इनके दिल में, और इनके कार्यालय में कोई भी व्यक्ति आके इजिली मिल सकता है, कहीं किसी प्रकार का कोई गरूर नहीं कि हम BDO हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं। और देखिए, हर वो अधिकारी जो सरकारी सेवक है उनको मिलनसार होना ही चाहिए। हालांकि कई लोग कड़क होते हैं, कई लोग चाहते हैं मैं कुर्सी पे हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह से रवि जी जनता के बीच में जाते हैं, जनता की समस्याओं को सुनते हैं, तो जनता के प्रति एक जवाबदेही बनते हैं और जनता को एक अलग सा सम्मान मिलता है। जिस प्रकार आप देख रहे हैं, लगातार जिलाधिकारी भी
राकेश कुमार भी गरीबों की समस्याओं, गरीबों के दरवाजे तक जा जाकर समस्याओं को कलेक्ट करते हैं, जानने सुनने का प्रयास करते हैं। कहीं ना कहीं जिलाधिकारी के नक्शे कदम पर रवि जी भी चलते हैं। और देखिए, हर वो छोटा कर्मचारी अपने बड़े कर्मचारी का अनुसरण करे ना, तो विभाग क्या उनका परिवार भी सफल हो जाएगा और समाज भी विकसित होगा। हम रवि जी से जानना चाहेंगे कि क्या कुछ योजनाएं प्रखंड में चल रही हैं। बैजला पंचायत की मैं खबरें आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, जहां वार्ड संख्या 1 फोक्सा गांव में महादलितों की बस्ती है और सारी बस्तियां, सारे घर की छतें लगभग लगभग टूट चुकी हैं और वे लोग आज नारकीय जिंदगी जीने को मजबूर हैं। ऐसे में क्या कुछ इनकी योजनाएं होंगी, क्या कुछ जीर्णा उद्धार के लिए रवि सर कर पाएंगे, मैं इन्हीं से जानूंगा। बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। जिस तरह बैजला में हम लोगों ने जाके ग्राउंड जीरो देखने का प्रयास किया, वार्ड संख्या 1 है सर और वहाँ फोक्सा गांव बोलता है, महादलितों की कई बस्तियाँ हैं, कई मकान हैं सर, टूटे फूटे हैं, तो क्या कुछ लगता है कैसे उद्धार होगा सर उसका? देखिए, इसके लिए तो है कि पूर्व में आवास का लाभ उनको मिल चुका है, तो जीर्णोद्धार का ही राशि उनको मिलेगी। तो अगर जीर्णोद्धार की राशि अभी तो भी आ नहीं रही है, लेकिन जैसे ही आएगी, आपकी बात को हमने संज्ञान में ले लिया है और हम 1 से 2 दिन में वहाँ सर्वे भी करा लेते हैं और जो भी लोग वहाँ छूटे हुए हैं या जिस तरह का अगर छत गिर गई है, तो जैसे हमारी राशि अगर आएगी, हम सब प्राथमिकता के तहत पहले उन्हीं का काम करेंगे। क्योंकि सर बरसात आने वाली है, अब बरसात में गरीबों की जिंदगी नारकीय बन जाएगी सर। आप एक अच्छे अधिकारी हैं, जनता को आपसे उम्मीद है, तो क्या लगता है जनता की उम्मीद कम चाहिए? निश्चित रूप से सरकार की योजना क्यों नहीं लागू की जाएगी, लेकिन अभी जीर्णोद्धार का अभी बहुत लंबे समय से राशि नहीं आई है, इधर निर्वाचन प्रक्रिया चल रही है। जैसी निर्वाचन प्रक्रिया थोड़ी सी ये हो जाती है और अगर राशि हमें आएगी, तो मैं इसको प्राथमिकता के तौर पर मैं इसको कार्य को पूर्ण करूँगा। सर सरकार की एक और योजना है कचरा प्रबंधन की, हाल ही में आपने तमाम जनप्रतिनिधियों का तमाम मुखिया को बुला के कुछ तो क्या कुछ लगता है सर, और कई विभागों का आपको प्रधान बनाया गया है, तो सारे जो है वो कैसे क्या होगा, ग्रामीण विकास के सारे कार्य कैसे जमीन पूछ रहे हैं? देखिए, इस दिशा में हमने सभी जनप्रतिनिधियों की बैठक की थी और हम लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि हमारा वातावरण स्वच्छ हो और इस दिशा में सरकार की जो भी योजनाएँ हैं उसमें कचरा प्रबंधन सर्व प्रमुख है और हम चाहते हैं कि इसमें कन्वर्जेंस हो, मतलब हर घर को इसमें जोड़ा जाए, हर घर में शौचालय हो, हर घर में कचरा का उठाव हो और जो भी हमारे स्वच्छता कर्मी हैं और जो ग्रास रूट पर काम कर रहे हैं उनको नियमित मानदेय मिले, उन्हें अच्छा से काम हो और लोगों में एक स्वच्छ वातावरण का विकास हो। इस दिशा में हमने सभी जनप्रतिनिधियों से सहयोग मांगा है और इस दिशा में मैंने कड़े निर्णय भी लिए हैं कि जो अगर सरकार की योजना को समय से लागू नहीं करेंगे तो कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह किसी भी स्तर पर हो। और मैं इस पर लगातार प्रयास कर भी रहा हूँ और पंचायती राज की कई योजनाओं को मैंने समीक्षा की है कि धरातल पर उतरें, हमारा ग्रामीण विकास का जो सोच है कि हमारा आवास सबके घर में हो, पक्की गली हो, नली हो, ये नल का जल हो, बहुत हद तक हमने कई ऐसे गाँव थे जहाँ हमने PHD विभाग से बात कर, वहाँ है बलियाडीह पंचायत है, तो जहाँ जिस तरह का मामले आते हैं मैं उसे देखता हूँ और मेरी प्रयास होती है कि मेरे प्रखंड के सभी पदाधिकारी अपने अपने विभाग के काम बिल्कुल अच्छे से करें और सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में करें।